साहब, किसी को पता नहीं लगे कि मैं नील माधव का पुजारी हूँ। गरीब खानदान के थे, वो डर था कोई धनी राजा को सूचना मिलेगी गुप्त नील माधव के विषय में, तो उनके तो बड़ा महल बना रहे, ऐसी नौकरी चले, सेवा चले जाएगी। तो ललिता ने शुरू कर में तो कहानी कि ललिता का मालूम था पिता कहाँ जाते हैं, पर पिता के आदेश के अनुसार उसने पति को भी नहीं कहा। पति ने इज्जत की, बताओ कहाँ जाते हैं तुम्हारे पिता, कहते तुम्हारा पति। फिर पति ने कहा इस जंगल के कोने में एक स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है जिसका नाम है नील माधव। वो मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि मेरे पिता उस मूर्ति की सेवा करते हैं, वो चाहते नहीं कि किसको सूचना मिले। जब नील विद्यापति ने सुना नील माधव नाम, वो तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये राजा ने उनको भेजा था नील माधव को खोजने के लिए, वो राजा बड़ा खुश हुआ। विद्यापति ने पत्नी ने कहा ठीक है, परीक्षण पर जब मैं तुम्हारे पति को ले जाऊंगा उस स्थान पर, उनकी आंखों में मैं पट्टी लगा। तो बेटी ने कहा ठीक है। तो उनके ससुर ने पट्टी बांध कर ले गए पकड़ कर नील माधव के स्थान पर। वो रास्ते में उस ससुर के बीच देख रहे थे तो निशाना रहेगा और कैसे पहुँचेंगे, जो विश्वास को पता नहीं था। तो जब वो पहुँचे नील माधव के पास तो विश्वास ने पट्टी खोल दी अपने दमाद की। जब विद्यापति ने समझा क्यों मेरे राजा की इतनी रुचि थी कि हम नील माधव को ढूंढ के लाए, फिर उसने देखा कि जो विश्वासु ब्राह्मण था, विश्वासु कितने उत्साह से नील माधव की सेवा कर रहा था। जंगल में पत्थर के ऊपर मूर्तियों को स्थापित किया था, वहाँ एक छोटा सा तालाब था, तालाब का पानी लेकर स्नान करता था अभिषेक भगवान की। फिर फूल तोड़कर जंगल में भगवान का हार बनाता था, फल तोड़कर भगवान को भोग लगाता था। तो विद्यापति आश्चर्य हो गया ये देखकर, ये विश्वास कितनी सेवा करता है। अगर आते हुए जगह जगह दर्शन लेकर चले जाते हैं, आपको बोले रोज हार बनाओ, सब्जी फल लाओ, आप चल कहो ये मुझ कर। और विद्यापति ने देखा वहाँ एक तालाब था जिसकी एक झांकी में पेड़ था, एक कौवा बैठा था, और विद्यापति के सामने वो कौवा जल में गिर गया तालाब में, उसने विष्णु का रूप धारण कर लिया भगवान के धाम में। तो विद्यापति सोच रहा था मुझे भी यही कर लेना चाहिए, इस तालाब में आत्महत्या, मैं भी भगवान के धाम जाऊंगा। भौतिक संसार में है क्या संघर्ष ही संघर्ष, कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश, सच है कि नहीं? त्याग में क्लेश नहीं है, है? कष्ट बेचैनी निराश है सब। अच्छा, फिर एक दिव्य वाणी द्वारा सूचना मिली, नहीं तुम आए हो नील माधव को खोजने के लिए, अब तुम्हें सूचना मिल गई है, जाओ ये सूचना अपने राजा को दो। तो जाओ विद्यापति
राजा के महल में लौटा। उसने कहा नील माधव को मैंने खोज लिया है, मुझे पता है नील माधव कहाँ है। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। रवि सेना लेकर सब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ के नील माधव प्रकट हुए। तो जब वो स्थान में पहुंचे तो उन्होंने देखा नील माधव है ही नहीं। राजा ने कहा बोले क्या तमाशा खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे बोला नील माधव इधर है, हम सेना को लेकर आए हैं, नील माधव है दिखते ही नहीं। तो विद्यापति ने कहा साहब मुझे पता नहीं, वो तो था इधर नील माधव, कहाँ गए मुझे खुद ही, मैं आज चले हूँ। राजा विश्वास हो गया तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, सजा देंगे, हमें बताओ कहाँ है नील माधव, तुमने छुपाया है। विश्वास ने कहा मुझे खुद नहीं पता कहाँ नील माधव गया, कोई अंदाजा नहीं। तो राजा बड़ा निराश हो गया। एक दिव्य वाणी द्वारा सूचना मिली, जो दिव्य वाणी से ने कहा हे राजा तुम्हें कभी भी नील माधव का दर्शन नहीं मिलेगा, अब मैं प्रकट हूंगा धरु ब्रह्मांड के रूप में। धरु ब्रह्मांड, धरु मतलब लकड़ी, अब मैं प्रकट हूंगा लकड़ी के रूप में, और वो जो गंगा नदी बह रही है पास उसमें तुम प्राप्त करोगे एक बड़ा लकड़ी का खम्बा, लकड़ी का टुकड़ा जिसमें भगवान विष्णु के चरणों के लक्ष्य निशाने हैं, और उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर मेरा रूप बनाओ। तो राजा उस स्थान पे पहुंचा जहाँ की लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। लकड़ी राजा ने देखा हाँ ये वही है, दिव्य वाणी में सूचना मिली। तो राजा ने वो लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा था उसे उठाने का प्रयास किया महल में ले जाने के लिए, जहाँ कोई आर्टिस्ट आकर मूर्ति बनाता। पर राजा ने देखा वो हिला भी नहीं सके, उतना भारी था लकड़ी का खंभा। राजा ने अपनी सेना को कहा उठाओ, पूरी सेना उस लकड़ी के टुकड़े को एक सेंटीमीटर भी हिला नहीं सके। राजा फिर निराश हो गया, भगवान का दर्शन नहीं मिला। राजा दिन रात सोचा था कब मुझे नील माधव का दर्शन मिलेगा। और दिव्य वाणी द्वारा सूचना मिली, सूचना ये थी भगवान ने कहा हे राजा अगर तुम मेरा रूप बनाना चाहते हो तो तुम मेरे जो भक्त थे विद्यापति और विश्वासुर उनको ही यहाँ लाओ, वो मुझे उठा पाएंगे, तुम्हारी सेना मुझे उठाई नहीं पाएगी। भगवान को समझने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं, खूबसूरती की आवश्यकता नहीं, केवल सेवो मुखे जीवन सेवा होनी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं पत्र पुष्प फलम तो यो में भक्त प्रयोजित, प्रेम और भक्ति के साथ तुम अगर जल भी मुझे अर्पण करोगे एक तुलसी का पत्ता मैं स्वीकार करूंगा। इसका ये अर्थ नहीं आप खाओ सोने की थाली में, भगवान को दो एक तुलसी का पत्ता, आप रहो महलों में, भगवान की मूर्ति अपने अलमारी में बंद रख ली है, नहीं अपनी सुविधा के अनुसार सेवा करो। राजा ने विद्यापति और विश्वास को बुलाया, वो बड़े आसानी से लकड़ के ठुके को उठाकर रथ में बिठाकर राजा के महल में ले। राजा ने फिर उस समय के सारे प्रसिद्ध कलाकारों को निमंत्रण दिया,
मैं चाहता हूँ भगवान का रूप एक बने इस लकड़ी से, तो कई कलाकारों ने प्रयास किया, पर जैसे वो प्रयास करते थे उनके हथियार टूट जाते थे, 500 कारीगर आए, सब फेल हो गए। फिर भगवान आए, वो देवताओं के महल बनाते हैं, आपके नहीं, देवताओं की कोठियाँ बनाते हैं। विश्वकर्मा आए दाढ़ी के साथ, बूढ़े व्यक्ति के रूप में। विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान का रूप बनाऊंगा, पर एक शर्त पर, 21 दिनों के लिए मुझे एकांत में रहने देना, कोई अंदर नहीं आए, अगर कोई अंदर आएगा तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा। तो विश्वकर्मा ने भगवान का रूप बनाना शुरू किया, टक 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 टक, और राजा कमरे के बाहर था, कोई ना कमरे में, राजा कानों को जोड़कर सुन रहा था टक टक टक, और सोचा था कब नील माधव प्रकट होंगे, उनका रूप में प्राप्त होगा। 15 दिन के बाद टक टक बंद हो गया, राजा घबरा गया, क्या हो गया, ठीक आवाज नहीं आ रही, विश्वकर्मा क्या जिंदा या मर गया? ये विश्वकर्मा ने ना जल लिया था ना कुछ खाने का, राजा की पत्नी का नाम था गुंडीचा, गुंडीचा ने कहा कहीं वो मर तो नहीं गए, 15 दिन से हमने कोई भोजन नहीं दिया, पीने को नहीं दिया। राजा ने फिर अपने ब्राह्मण ने मंत्रियों से पूछा क्या करूं इस स्थिति में, मंत्रियों ने कहा अंदर मत जाओ, अंदर जाओगे तो विश्वकर्मा ने पहले कह दिया था वो प्रकट हो जाएंगे। राजा क्या पत्नी के शब्द में आ गया, यानी यानी बेटा पीछे आओ, राजा ने दरवाजा खोल, जब दरवाजा खोला तो विश्वकर्मा प्रकट हो गए। राजा ने आप तो ये रंग किए हुए हैं, कोई तो मेरे रंग किए हुए नहीं। जब राजा ने ये रूप देखा तो उसके हृदय में पछतावा हुआ, उसने सोचा क्यों मैं जल्दी आ गया, अब विश्वकर्मा अप्रकट हो गए और भगवान का रूप अधूरा छोड़ दिया। फिर वहाँ पहुँचे नारद मुनि, नारद मुनि हमेशा ठीक स्थान पर पहुँच जाते हैं, ठीक सूचना मिले। नारद मुनि ने कहा राजा शोक मत करो, ये जो रूप तुम देख रहे हो ये जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का रूप, और भगवान कलियुग में इस रूप में प्रकट होंगे, तुमको सेवा में जुड़ेंगे, गलियों में घूमेंगे, अपना दर्शन देने। फिर राजा ने सुंदर मंदिर बनाया अग्निपुरी में।